नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इस दिन पर आज शेल सलून एंड मेडिस्पा द्वारा उन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जो ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से समाज को एक इंस्पिरेशन दी है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ और कराते हैं उन महिलाओं से बात जिनकी कार्य करनी से आज जो है जम्मू ही नहीं भारत भी जो है गदगद हो रहा है। जितनी कंडीशन खराब जानवरों की होती है शायद ही किसी की हो। आई थिंक इट शुड नॉट बी कि आज के दिन हैप्पी वुमेन्स डे होगा, इट्स एवरी डे इज वुमेन्स डे, बिकॉज मुझे लगता है कि लेडीज के बिना, फीमेल्स के बिना देयर इज नो सोसाइटी। लेट्स से हैप्पी वुमेन्स डे एंड शिवरात्रि, दोनों चीजें आज मनाने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शिवानी, इट हैज बीन लॉन्ग एसोसिएशन एंड आई थिंक इट वाज स्मॉल इंटरव्यू which got us connected. I was in Aaj Tak and I had come to interview her. Stepping into radio has been the biggest change and the most beautiful change of my life. And happy Shivratri to all of you. Thank you. Thanks a lot for being a part of me on this day. And I really wish that you inspire a lot, but we all get further inspiration from us all together. I'm so honored to be here with some such incredible women, first of all, and thank you Shivani Aunty for inviting me here. I'm, you know, thing is that it's such a, I'm a little nervous, excuse me, but as sub-inspector, as constable, as JKSSB, and yesterday, day before yesterday, I guess everyone is awarded with the name of Shakti Samman. I'm basically from Delhi, but now I can say I'm pura Jammuite, and it's very I mean, gives me goose flesh when I go back and how I started with just one child, and I still remember the name. Her name was Nandini Nair. Women equality. I feel we talk of gender bias and everything, like she said. Give a woman, you know, she's changing nappies, she's doing kitchen work. Hope she's given a brief introduction about me, so I do not need to introduce again. Firstly, thank you very much, Shivani Aunty, for having me here. It was a pleasure to be a part of this panel. I'm Kritika Khanna and I've been titled as India's first female para rower. I'm into sports, it's rowing. With us. Thank you. And the best thing is, phone pe aa jata didi, bade dilon se aaye. Congratulations. Saal ho gaye. Yes. तो ये मैं एक आपका डाउट आज क्लियर करना चाहती हूँ कि अंगदान जीते जी नहीं होता है, अंगदान जीते जी नहीं होता है, यह मरने के बाद होता है। तो आज मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ कि आप सब अपने ऑर्गन्स जो है प्लेज करें, और इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मरने के बाद अंगदान होता है। और अगर जो वाइल्ड लिविंग होता है, जीते जी जो हम अंगदान होता है, वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए होता है, और उसमें हर एक इनायत, हर एक हसरत पूरी हो, महिला दिवस पर दुनिया तुम्हारी हो। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट हैप्पी वुमेन्स डे एंड हैप्पी शिवरात्रि। थैंक्स यू ऑल। राइट, एक चीज़ जो शायद हर घर में होती है और हर औरत के साथ होती है, हमें ना बचपन से आदत भी होती है और शायद सिखाया भी जाता है, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी वन एल्स अराउंड यू। जब हम अपनी माँ को देखते हैं ना, वी हैव ऑलवेज सीन हर टेकिंग केयर ऑफ एवरी वन बट नेवर हर सेल्फ। सो आई बिलीव ये एक थॉट कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में चल रहा है, स्पेशली जब लास्ट ईयर आई फेल सिक एंड मेरी 6 महीने की बच्ची थी, तो पहला सवाल जो मेरे मन में आता था वो ये कि यार यू हैव टू सर्वाइव फॉर हर, एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड टू कन्वे दिस मैसेज टू एवरी वुमेन कि समझती हूँ कि घर का, घर वालों का और सबका ख्याल रखना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप अपना ख्याल रखो। यू माइट हैव सीन कि अगर मम्मा घर में है ना, सबके लिए बादाम सेड रही हैं, सबको दूध दे रही हैं, बट कभी उन्होंने खुद अपने लिए बादाम खाए या कभी खुद दूध पिया? नेवर। शी नेवर टेक्स केयर ऑफ़ हर सेल्फ। सो ऑल यू वुमेन, किसी भी एज ग्रुप में हैं आप, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, एंड स्पेशली द यंग गर्ल्स, प्लीज़ मेक इट अ हैबिट। एंड अगर हम अपना ज़्यादा ख्याल रखना शुरू करते हैं ना, हम पहले गिल्ट में ही चले जाते हैं कि नहीं यार, कहीं मैं घर वालों को कम प्रायोरिटी देके खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी तो नहीं दे रही। सो हमें उस गिल्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। वी नीड टू मेक इट नॉर्मल टू टेकिंग केयर ऑफ़ आर सेल्फ, वी नीड टू मेक इट नॉर्मल टू प्रायोरिटाइज आर सेल्फ, बिकॉज आप हो तो आपका वो सारा जहान महफूज है, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। हैप्पी वुमेन्स डे। यू आर द यंगेस्ट आई थिंक आरजे इन जम्मू।
सो हेलो, आई एम आरजे तानी फ्रॉम रेडियो मिर्ची 98.3। एंड अगर हम वुमेंस डे की बात करें तो आई डोंट थिंक वुमेंस डे एक दिन के लिए एक सेलिब्रेशन है। इट्स फॉर एवरी डे ईच ईयर वी हैव टू सेलिब्रेट दिस थिंग। एंड अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो वुमेंस डे के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि देर इज़ एक सेइंग है ना, देर इज़ ऑलवेज अ फीमेल बिहाइंड अ मैंस बैक, है ना। बट मैं ये कहूँगी देर इज़ ऑलवेज अ मेल बिहाइंड अ फीमेल्स बैक, बिकॉज मेरे हाउस होल्ड में देर इज़ अ मेल, माई फादर, ही हैज़ बीन सपोर्टिंग मी विथ हिज होल हार्ट। मतलब अगर उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं, आई वॉज जस्ट लाइक 21 ईयर्स ओल्ड वैन आई गॉट इन टू द इंडस्ट्री एंड आई स्टार्टिड वर्किंग। 21 साल की उम्र में कुछ नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है लाइफ में, बिकॉज देर आर पीपल स्टिल स्ट्रगलिंग 26 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, दे डोंट नो कि लाइफ में एक्चुअली में क्या करना है। बट आई गॉट अ नेम बिकॉज ऑफ माई फादर। सो वुमेन्स डे इज नॉट जस्ट अबाउट अ फीमेल ग्रोइंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट मेल सपोर्टिंग दैम। सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड कीप लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो मिर्ची 98.3। 2 to 5 मेरा शो आता है, डू नॉट इवन स्किप दैट। आई एम आरजे तानी, स्टे ट्यून्ड। मुझे लगता है कि महिला सशक्त है, सशक्त थी और सशक्त रहेगी। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ अपने जहन में ये लाने की कि मैं कर सकती हूँ। यहाँ तक मीडिया फ्रेटर्निटी की बात है तो मैं, आप भी मीडिया में हैं और आप भी एक महिला हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी महिला पत्रकार जो हैं वो आगे आ रही हैं। पहले फोटोग्राफी की वीडियो जर्नलिस्ट नहीं हुआ करती थी महिला, अब वो भी सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब अगर एम्पावर करना है तो हमें मेल का माइंड एम्पावर करना है टू एक्सेप्ट फीमेल, बिकॉज देयर वेयर लाइज द फॉल्ट। बिकॉज यहाँ पर फीमेल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वहाँ पे इश्यू क्रिएट होता है। तो मीडिया में यहाँ वुमेन आर डूइंग सो वेल, वी नीड टू एम्पावर द ब्रेन्स एंड थिंकिंग ऑफ मेन सो दैट दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग फीमेल्स एज देयर co-workers and give them due respect, and ये ना कहें वो क्या कर सकती है क्योंकि वो सब कुछ कर सकती है। अगर हम दूरदर्शन की बात करें तो वहाँ पे आपको याद होगा रिनी साइनम आया करती थी, सलमा आया करती थी। मीडिया फ्रेटर्निटी एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जिसमें हमेशा औरतों का दबदबा रहा है और मेन थोड़े इनसिक्योर रहते हैं, और यहाँ मेन की इनसिक्योरिटी आती है, वहाँ वुमेन पे प्रश्न चिन्ह आता है। तो अब इस मानसिकता को बदलें और अगली बारी से मुझे लगता है कि 50-50 का पैनल होना चाहिए, मेल एंड फीमेल, एंड देन दे कैन बी अ रियल एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच। यही कहना चाहूँगी कि हर एक महिला दूसरी महिला का साथ दे और अपने आप को कम ना समझे, अपने आप को हर किसी चीज़ के लिए सक्षम ही समझे। और हाँ, जानवरों से ज़रूर प्यार करें, यह हर एक महिला हर एक पुरुष का काम है। That women are the backbone of every household and nothing is impossible for women, because impossible says I am possible. And I wish all the young women all over the world to have belief in themselves that they can just do anything on earth. So just be yourself, as ma'am just mentioned right now. We just need to make ourselves so strong that till the time a man, you know, equals a woman, as in, like I just earlier also mentioned, that you got to have a child to equal a woman. The woman goes through a lot of hardships. So the day a man feels that he does that, that day will be equal. Otherwise, women are all in all. And we are on top of everybody. वैसे तो वुमेन का डे तो हर रोज़ होता है, बिकॉज हर रोज़ उन्होंने अपने लिए एक नया दिन निकाला है। इस दिन हम लोगों ने ऑल द डिफरेंट वुमेन ऑफ देयर फील्ड्स, वी हैव पिक देम अप, और उन्होंने जो जो अचीवमेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी अचीव करी हैं, सो वी गॉट देम टुगेदर, और इकट्ठे उन्होंने जो इनकरेजमेंट दिए है और जो एक अपनी जर्नी शेयर करी है, इट्स बीन वेरी इंस्पायरिंग। और हमारे सलोन में भी हम लोगों ने अवार्ड्स दिए हैं लोगों को, जो बच्चे मेरे साथ पिछले 20 साल 30 साल से जुड़े हुए हैं। सो इट इज़ द जर्नी वेर जस्ट टू से दैट वी आर इक्वल्स
वेमेन आर इट्स नॉट अबाउट इक्वल, इट्स अबाउट रिकग्नाइजिंग दैट आपका क्या रोल है लाइफ में, आपको अपने आप को कैसे स्टैंड रखना है, अपने अपने आप को कितना स्ट्रांग रखना है. वी हैड हमारे पैनल में आज एक ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चलाती हैं लेडी, शी इज़ देयर. उसने अपनी किस तरीके से मुश्किलों से निकल के अपने आप को, अकेली लड़की है जो पूरा वो कर रही है. दूसरी वी हैव अ बस ड्राइवर विद अस, वी हैव कृतिका खाना हु इज़ अ पैरा रोइंग girl, and Namrita Haku, we have Mitali with us, we had Preeti the only biker with us. So in sab ne aaj bahut acha inspiring journey share kari hai, and I think we are going to be coming up with such things to inspire, keep inspiring women, aur women hit ko enjoy kare. hamare sath Shwetama, Arjitani, all these women are the people who have inspired so many people and we look upon them. Mujhe lagta hai ki inki journey ko dekhkar hamare liye ek bahut it was a very great day. So thank you so much. My salon has completed 29 years of the being the only lady salon in town. और जब मैंने ये शुरू किया था तब लेडी सैलॉन या सैलॉन होना एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं था, पर उस टाइम पे जब मैंने काम शुरू किया था इट वॉज़ नॉट अबाउट बींग अ वुमेन, बट आई वॉन्टेड टू से कि अगर आप चाहें ज़िंदगी में कुछ करना तो आप करके दिखा सकते हैं. और मैंने ये प्रूव करके इसलिए दिखाया क्योंकि मेरे साथ एक मेरी आर्मी, मेरी स्टाफ जो कि सब वुमेन हैं, उन्होंने मेरे साथ पिछले 20 साल से जुड़ के आज वो अपने फैमिली के सबसे दे आर बिगर अर्निंग मेम्बर ऑफ द फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं जस्ट बिकॉज दे फील हैप्पी दैट दे आर रिस्पेक्टेड इन दिस एनवायरमेंट. और माय मोटो इज़ पैम्पर द वुमेन इन यू. सो ऑन द वुमेन्स डे देर इज़ अ हैशटैग वी से बी द चेंज. और अगर आप ये चेंज लाना चाहते हो तो पहले आपका नज़रिया बदलना चाहिए, तभी आप दूसरों का नज़रिया बदल सकते हो. इसीलिए हमारे पैनल में हमने बहुत सारे वंडरफुल पीपल को इकट्ठा करा और उनकी जर्नी शेयर करी, बिकॉज रिकग्नाइजेशन तो है ही है, बट जब आप उनकी स्टोरी, उनकी द वे दे हैव रीच्ड दीज हर्डल्स इन स्पाइट ऑफ बींग वुमेन, वो सुन के बहुत ही बहुत ही टचिंग होता है और बहुत ही इंस्पायरिंग है. एंड आई थिंक टुडेज डे वॉज वेरी वेरी फ्रूटफुल, बींग शिवरात्रि एंड वुमेन सेलिब्रेशन टुगेदर, इट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट. थैंक यू सो मच. तो जैसा कि देखा आपने यहाँ पर आज शेल्स शेल सैलून एंड मेडिस्पा में आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया है, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया गया. उनकी जो आप बीती ज़िंदगी है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चाएं हुई, क्वेश्चन अराउंड भी रहा. और जिस तरह से आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो ये दिन हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही दिन महिला का नहीं होता, हर दिन महिला से होता है. क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. कैमरामैन साहिल भट्ट के साथ मैं नीतू सिंह, रेडियो जम्मू के लिए धन्यवाद. We'll be right back.